हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हिंदी के टॉप मोस्ट प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हिंदी के टॉप प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, तो आप इन्हें लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इन्हीं क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में ज़रूर फंसेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी निम्नलिखित में हिंदी भाषा की देव की लिपि कौन सी है? ग्रीक, रोमन, देवनागरी या अमराई? तो इसका ऑप्शन सही होगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 15, 25, 18 या 22? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 8, 13, 7, 5, तो उपभाषाएं हैं 5। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन सी, भाष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कौन सा अंग नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन डी, लेख। अगला प्रश्न, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द, भाव, ध्वनि या वाक्य? इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, ध्वनि चिन्ह। अगला प्रश्न, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह या वाक्य? सो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी, मगधी, प्राकृतिक या अपभ्रंश? सो ऑप्शन डी, अपभ्रंश इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, सिंधु लिपि से या अपभ्रंश से? सो ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अगला प्रश्न, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? 12 का सही आंसर होता है ऑप्शन ए, द्वित। अगला प्रश्न, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? 13 का ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, मानक भाषा। अगला प्रश्न, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकशाली, पश्चिमी, मानक या आम फहम? सो ऑप्शन सी, मानक। संचार माध्यमों में हिंदी की मानक भाषा का प्रयोग होता है। अंग का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही आंसर है नाशिक, अंग। अगला प्रश्न, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सो सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? सो ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के सारे क्वेश्चन इससे फंसेंगे। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 10। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ, ब्राह्मी से, लोकभाषा से, प्राकृत से या संस्कृत से? सो ऑप्शन सी, प्राकृत से। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है? ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस।
अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने दोनों में किया जाता है, सो मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? सो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, भाषा भाग 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं का से अह तक, का से ढा तक, आ से हा तक या का से ज्ञा तक। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आ से अह तक। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या है, ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा कहलाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 करोड़, लगभग, कम ज़्यादा भी हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, तो 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, 11। स्वरों की संख्या है 11। अगला प्रश्न, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। छात्रा ज्ञाश्र कहे जाते हैं, ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ऑप्शन सी, 4। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सो ऑप्शन डी, देवनागरी। अगला प्रश्न, व्याकरणों में संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए, घोड़ा, क्योंकि घोड़ा एक जाति है, ठीक है, ऑप्शन ए। हरियाली क्या है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा नहीं है अफ्रीकी, बचपन, चोरी या दौड़? इसका हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, अफ्रीकी। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो बंधुत्व है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, पूरब दिशा किसका रूप है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? 39 का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न, घी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? सो घी है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता क्या है? सो ऑप्शन सी, देखिए हृदयेश ने कहा है तो हृदयेश ही इसका कर्ता होगा। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, पौधे, अंगूर या चावल? 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखनी है, तो देखिए दैनिक जागरण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, भाववाचक धुलाई एक भाववाचक संज्ञा, तूफान एक जातिवाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकारांत व आकारांत संज्ञाएँ होती हैं पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग, अकारांत व आकारांत। अगला प्रश्न, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, अगला प्रश्न है ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में है ऑप्शन सी संबोधन। अगला प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन होगा ऑप्शन ए चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न, दही शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं, तो दही है पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न, गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण से, हाथ से मतलब करण से मारती है। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, को का अर्थ होता है के लिए, संप्रदान के लिए। वह कार चोर मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में है संबंधवाचक, संबंध कारक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया के कारक का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी कर्म कारक, क्रिया के कारक का फल जिस पर पड़ता है वह कहलाता है कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक चिन्हों को कहा जाता है अवयव संज्ञा चिन्ह परसर्ग या संयोजक, 53 का सही आंसर है ऑप्शन सी परसर्ग। सो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं, ये आज का फर्स्ट पार्ट था, हिंदी का फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट डे आपका सेकंड पार्ट करवाया जाएगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।